तो जयपुर में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करने आए प्रदेश प्रभारी अजय माखन ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरएएस परीक्षा भर्ती में रिश्तेदारों को लाभ देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अजय माखन ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पर जो आरोप लगे हैं वे आरोप निराधार हैं। भाजपा ये आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि डोटासरा ने संघ और भाजपा के चेहरे को बेनकाब किया है। वे लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के खराब सड़कों पर जनता की आवाज बनकर उतरे हैं। अजय माकन ने कहा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्र वधु और उनके रिश्तेदारों को जो अंक मिले हैं वे भाजपा के शासन में मिले हैं, उस समय में भी सवाल उठाए गए थे, सोशल मीडिया पर खबरें चली थी। ऐसे में अब भाजपा केवल डोटासरा को इस वजह से निशाना बना रही है कि वो भाजपा और संघ के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। अजय माकन ने कहा कि मैं भाजपा नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इस तरह के पॉलिटिकल आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि डोटासरा जी के बेटे और इनकी पुत्र वधू दोनों के दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने बेहतरीन उन्होंने अंक पाए, तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक वर्ष पुराने भी उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था। तो अब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि डोटासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहां पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए।